नमस्कार दोस्तों, ओम राउत की बिग बजट फिल्म आदि पुरुष सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। हालांकि यह अपनी रिलीज के बाद और ज्यादा विवादों में घिर गई है। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टार इस मूवी के डायलॉग और सीन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही इसके बॉयकॉट की मांग भी तेज हो गई है। ना सिर्फ नेटिजन्स बल्कि मनोरंजन जगत के सितारे भी आदि पुरुष पर भड़कते नजर आए। इस लिस्ट में एक नाम कंगना रनौत का भी जुड़ रहा है। यूं तो एक्ट्रेस ने साफ तौर पर फिल्म को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका सोशल मीडिया पोस्ट इसकी ओर इशारा कर रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की पंगा क्वीन यानी कंगना रनौत यूं तो अपने बेबाक बोल के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार एक्ट्रेस ने ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष का नाम लिए बिना ही इस पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने मूवी पर कटाक्ष करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी का सहारा लिया है। एक्ट्रेस ने इस बार शब्दों का इस्तेमाल ना कर गाने को अपना हथियार बनाया है। आदि पुरुष की रिलीज के बाद कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भगवान राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण की कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने फिल्म को हरे रामा हरे कृष्णा का गाना राम नाम बदनाम ना करो लगाया। इसी को देखकर फैंस मान रहे कि धाकर एक्ट्रेस ने इसके जरिए आदि पुरुष के मेकर्स की क्लास लगाई है। फिल्म आदि पुरुष अपनी रिलीज के बाद से विवादों में, इसमें रावण के लुक से लेकर हनुमान के डायलॉग तक पर सवाल उठाए जा रहे। साथ ही लोग इस पर श्रीराम की कहानी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आरोप है कि मूवी में रामायण के किरदारों और सीन को गलत तरीके से दर्शाया गया है, जो हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।